हम सभी केमिकल इक्वेशंस के बारे में तो जानते हैं बट क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें किन किन टाइप्स की इंफॉर्मेशंस देती हैं तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ओके तो एक केमिकल इक्वेशन हमें कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशंस देती हैं जो कि है द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच सबस्टांस द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव मोलिक्यूल्स द मोलिक्यूलर मैस एंड इट ऑल्सो प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ओके तो अब इन सारे इन्फॉर्मेशन को हम एक एक करके समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टू एन एच प्लस एच टू एस ओ फोर गोज एन ए टू एस ओ फोर प्लस टू एच टू ओ अब अगर हम देखें कि ये इक्वेशन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेश देती हैं तो ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देती है वो है इसका रिजल्ट जो कि इन दोनों के रिएक्शन से होने वाले केमिकल चेंज की वजह से फॉर्म होता है समझे ओके okay, तो अब जो सेकंड इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इससे वो है इसके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अब इसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं तो इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट्स हैं और ये सोडियम सल्फेट एंड वाटर इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद फॉर्म हो रहे हैं ओके okay, तो अब जो थर्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इससे वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच सबस्टेंस यानी कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू एन कंबाइन हो रहा है तो इसी का सिंपल सा यही मतलब है कि यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंबाइन हो रहा है मीन्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ तो वन मोलिक्यूल ऑफ एच टू एसओ फोर मीन्स सल्फ्योरिक एसिड के साथ और ये बना रहे हैं वन मोलिक्यूल ऑफ एनए टू एसओ फोर मीन्स सोडियम सल्फेट विथ टू मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी कि एच टू ओ समझे बात को ओके तो अब जो फोर्थ इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इससे वो है द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में आप देख सकते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो वन एटम ऑफ सोडियम वन एटम ऑफ ऑक्सीजन और वन एटम ऑफ हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है सिमिलरली ये सल्फ्यूरिक एसिड भी टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वन एटम ऑफ सल्फ़र और फोर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना है और इसी को हम इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बोलते हैं और इसके बारे में भी हमें केमिकल इक्वेशंस इन्फॉर्मेशन देते हैं ओके okay, तो अब जो फिफ्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन से वो है उनमें प्रेजेंट सारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मैस अब एटॉमिक मैस के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इन डिफरेंट टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन में जो इन एक एक एटम का मास होता है उससे ही हम एटॉमिक मैस बोलते हैं तो इन द सेम वे इन सारे डिफरेंट एटम्स जो कि कंबाइन हो रहे हैं उन सारों के एटॉमिक मैसेज को सम करके जो एक नंबर आता है उससे ही हम उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस बोलते हैं और इसके इंफॉर्मेशन भी हमें ये केमिकल इक्वेशन देते हैं अब इसके बाद जो सिक्स नंबर में दिया है वो है कि इट ऑल्सो प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी प्रूव करता है अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैस है वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है यानी कि अगर हम इस लॉ को इस इक्वेशन से रिलेट करके प्रूव करें तो ये कुछ इस टाइप का होगा जिसमें से सबसे पहले इन सारे एटम्स के एटॉमिक मैसेज हो जाएंगे यानी कि सोडियम का ट्वेंटी ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। सिमिलरली इस सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में जो H2 का एटॉमिक मैस होगा वो होगा 2। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है वन और यहाँ पर टू हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं इसलिए इसका मैस होगा टू फिर सल्फर का एटॉमिक मैस होगा थर्टी टू और ऑक्सीजन का सिक्सटीन होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के फोर एटम्स हैं इसलिए सिक्सटीन इंटू फोर इक्वल टू सिक्सटी फोर एटम्स होंगे ऑक्सीजन के और सिमिलरली प्रोडक्ट के साइड भी इसी तरीके से होगा और फिर इसके बाद इन सारे मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मैसेज को सम करने के बाद ये हो जाएगा 80 प्लस नाइन्टी इक्वल टू 142 फोर्टी टू प्लस थर्टी जिसमें से ये 80 इस टू एन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैस है 98 H2SO4 का है 142 फोर्टी का है और 36 2 H2O का मॉलिक्यूलर मैस है और लास्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों साइड के नंबर्स को ऐड करने के बाद ये दोनों साइड्स इक्वल हो जा रहे हैं इट मींस इस केमिकल रिएक्शन में ना तो कुछ क्रिएट हो रहा है नया और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है और इसके इन्फॉर्मेशन भी हमें ये केमिकल इक्वेशन देते हैं ओके समझ गए ओके तो इसी के साथ इसके कुछ लिमिटेशन भी देख लेते हैं तो फर्स्ट चीज़ जो कि केमिकल इक्वेशंस नहीं बता पाते वो है द फिज़िकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यानी कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका फिजिकल स्टेट क्या होगा यानी कि वो सॉलिड के फॉर्म में होंगे लिक्विड के फॉर्म में होंगे या फिर गैस के फॉर्म में होंगे इसकी इंफॉर्मेशन कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं देता फिर इसके बाद जो सेकेंड लिमिटेशन है वो है कि इट डज़ नॉट अस अबाउट द टाइम टेकन फॉर द कम्पलीशन ऑफ़ द रिएक्शन यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम कंज्यूम हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन भी कोई केमिकल इक्वेशन नहीं देता फिर जो थर्ड लिमिटेशन है वो है कि इट डज़ नॉट टेल अस अबाउट वेदर द हीट इज़ गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट है वो उसके अंदर से बाहर की ओर एमिट हो रहा है या फिर बाहर से अंदर की ओर एबजॉर्ब हो रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन भी कोई केमिकल इक्वेशन नहीं देता फिर फोर्थ लिमिटेशन है कि इट डज़ नॉट टेल अस अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन एंड डिल्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन यानी कि ये इस चीज़ को भी नहीं बताता कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं या फिर डेल्यूटेड हैं और वो कितने कॉन्सनट्रेटेड या फिर कितने डेल्यूटेड हैं इसकी इंफॉर्मेशन भी कोई केमिकल इक्वेशन नहीं देता अब इसके बाद फिफ्थ लिमिटेशन है कि इट डज़ नॉट टेल एस अबाउट द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड्स यानी कि वो रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है इसकी भी इंफॉर्मेशन कोई केमिकल इक्वेशन नहीं देता फिर जो सिक्स लिमिटेशन है वो है कि इट डज नॉट टेल एस अबाउट वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबल यानी कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल है या फिर इ रिवर्सिबल है ये भी कोई केमिकल इक्वेशन नहीं बताता और फिर जो सेवेंथ एंड लास्ट लिमिटेशन है वो है वेदर द रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड और नॉट कम्प्लीटेड यानी कि वो रिएक्शन पूरी तरह से कम्प्लीट हुआ है या फिर वो बीच में ही रुक गया है और कम्प्लीट नहीं हुआ इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें केमिकल इक्वेशंस नहीं देते समझे बात को ओके okay.